हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टू मसालाज मैजिक। आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी शेयर करने। आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम की मीठी चटनी या लौंजी। इसके लिए मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। मैंने यहाँ कम से कम 6 कच्चे आम लिए हुए हैं। कच्चे आम के ऊपर का छिलका उतार दूंगी। देखिए, इस तरीके से मैं सारे कच्चे आमों के छिलके उतार लूँगी। अब मैं कच्चे आम को कट करूंगी। देखिए, मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीस में काटा है। कच्चे आम के इसी तरीके से ही लंबे लंबे पीस करने हैं। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। देखिए, कच्चे आम में कितना पानी हो गया है। मुझे इसे फेंकना नहीं है, इसी पानी में कच्चे आम को पकाएंगे। जितना कटे हुए कच्चे आम हैं उसी के बराबर हमें चीनी लेनी है। ये कटे हुए कच्चे आम हैं 300 ग्राम और मैं इसमें 300 ग्राम चीनी ऐड करूंगी। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पैन को गरम कर लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डालूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाला है और इसमें 2 चुटकी हींग ऐड करूँगी। ये देखिए, थोड़ी सी हींग डाल दी है। मेथी दाना हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब इसमें मैं कटे हुए कच्चे आम ऐड करूँगी। इसे भी अच्छे से चलाएंगे। मुझे कच्चे आम को इसी के पानी में पकाना है। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी डाल देना है। इसे थोड़ी देर तक ढककर ऐसे ही पकाएंगे। नमक इसमें पहले से ही ऐड है। कच्चे आम को 5 मिनट पकते हुए हो गए हैं। अब इसको देखेंगे ये गले हैं या नहीं। कच्चे आम को इस तरीके से कट करके देखेंगे। देखो, ये गल चुके हैं। इन्हें थोड़ी देर तक और पकाना है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, चीनी अपने आप घुलने लगी है। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी सौंफ डाली है, करीब 1/4 चम्मच होगी। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है क्योंकि मैं सफ़ेद नमक पहले ही डाल चुकी हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह थोड़ी देर पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। अब इसमें मैं भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करूंगी। आपको अगर चाशनी ज़्यादा थिक लग रही हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। कच्चे आम को इसी तरह थोड़ी देर तक पकने दें। कच्चे आम की मीठी चटनी या लौंजी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें मैंने मगज़ के बीज ऐड कर दिए हैं। इसे खरबूजा का बीज भी बोलते हैं। कच्चे आम की चटनी या लौंजी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप कम से कम 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया हुआ है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। कच्चे आम की मीठी चटनी या लौंजी तैयार है। देखिए, कितनी ही बढ़िया बनी हुई है। इसका टेस्ट तो लाजवाब है। इसकी चाशनी भी बहुत बढ़िया है। देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है कच्चे आम की लौंजी या चटनी। कितनी लाजवाब है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।